अगर इसको मंगल राज कहते हैं तो इससे अच्छा जंगल राज था। अगर इसको सुशासन कहते हैं तो ऐसे सुशासन पर लानत है। ये तस्वीर किसी आम इंसान की नहीं है, ये तस्वीर बिहार पुलिस के जाबाज दरोगा की है। लेकिन भीड़ तंत्र ने इनके साथ ऐसा सलूक किया है कि शायद ही कोई ऐसी दिलेरी दिखा पाए। अब इसको ऐसे देखने की जरूरत है कि बिहार में अपराधी, अवैध तस्करों, शराब कारोबारियों ने पुलिस पर लगाम लगा दिया है। यकीन मानिए, प्रदेश में अपराधियों के लिए बहार है। जरा इस तस्वीर को और गौर से देखिए, शायद आपको ऐसा लगने लगेगा कि प्रदेश में कानून का राज नहीं है। और इसमें कोई हैरानी की भी बात नहीं है। अपने काम करने के तरीके से मोतिहारी जिले के तेज तर्रार पुलिस कर्मियों में गिने जाने वाले पताही थाना प्रभारी विकास तिवारी आज शराब कारोबारियों के जमा होने की सूचना पर सिविल ड्रेस में एक चौकीदार के साथ छापेमारी करने गए थे। लेकिन जैसे ही वो कारोबारियों को पकड़ने के लिए उनके ठिकानों पर पहुंचे, वैसे ही शराब कारोबारियों ने गुलबंद होकर उन पर हमला बोल दिया। थाना प्रभारी की जमकर पिटाई की गई। और जब भीड़ को ऐसा लगने लगा कि उनकी मौत हो गई तो अचेत हालत में खेत में उनको फेंक दिया गया। जरा सोचिए, बिहार में शराबबंदी है, रोजाना शराब माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, बावजूद इसके माफियाओं के हौसलों को देखिए। जब थाना प्रभारी से इनको डर नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। लाख सुशासन का दावा हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये तस्वीर है। मामला मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ शराब कारोबारी इलाके के धांगर टोली में शराब बना रहे हैं। सूचना पर पताही थाना प्रभारी विकास तिवारी सिविल ड्रेस में एक चौकीदार, एक सिपाही को लेकर छापेमारी में निकल गए और इस हमले का शिकार बन गए। घटना की जानकारी बगल के गांव के लोगों को लगी तो गांव वाले पुलिस के पक्ष में थाना प्रभारी को बचाने आए और तब जाकर किसी तरह थाना प्रभारी और चौकीदार की जान बच पाई। वही स्थानीय ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को खाट पर लादकर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें मोतिहारी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर पुलिस कैंप कर रही है।